अरे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था। उस बादशाह की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। बादशाह की बेटी जब बड़ी हुई तो बादशाह को अपनी शहजादी की फिक्र लग गई और वो शहजादी के लिए एक ऐसा शहजादा तलाश करना चाहता था जो उसकी कदर करे, उससे मोहब्बत करे और उसकी मोहब्बत में कोई लालच ना हो। उसने ये शर्त रखी कि जो शहजादा भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसे कुछ शर्तों से गुजरना पड़ेगा और उसके बदले उसे बादशाह का ये राज मालूम होगा जिसे पाकर वो शहजादा अपनी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजार सकेगा। बादशाह ने यह शर्त रख दी थी कि शहजादी से शादी के वक्त बादशाह उस शहजादे को अपनी बादशाहत से कुछ भी नहीं देगा। इसके अलावा बादशाह शहजादी और शहजादे के उस महल से दूर एक और घर तामीर करवाएगा और वो महल में नहीं रहेंगे। शहजादे को करीब खेतों में काम करना होगा और उसे अपनी मेहनत के बलबूते पर शहजादी को राजी करना पड़ेगा और वो उसे खुश रखेगा ताकि वो जिंदगी भर उसके साथ खुशी से रह सके। ये तमाम शर्तें सुनकर बहुत सारे शहजादे आए और क्योंकि कोई भी इन शर्तों के ऊपर राजी होने को तैयार न था, इसीलिए शहजादी की शादी ना हो सकी। काफी अरसा गुजर गया और एक दिन एक शहजादा आया जो शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश रखता था। वो इन तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हुआ जो बादशाह ने शहजादी की शादी की खातिर रखी थी। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक शहजादी और शहजादे का निकाह करवाया और इसमें तमाम शर्तें लिखवाई कि वो बादशाह से कुछ भी नहीं लेगा और वो महल से दूर एक घर में रहेंगे जहाँ पर उसे खेतों में काम करना पड़ेगा। इसी तरह एक साल गुजर गया और शहजादी अपने वालिद से शहजादे के बारे में कोई शिकायत नहीं करती थी। बादशाह बहुत खुश हुआ और इसने शहजादी को जमीन का एक टुकड़ा दिया कि वो इसके ऊपर फसलें लगाएं और वो अपनी शहजादी के साथ खुश रहे। जब एक दिन शहजादे ने उस जमीन को खोदना शुरू किया और इस पर फसल की उगवाई शुरू की तो वहाँ पर उसे सिक्कों का एक ढेर मिला और वो सोने के सिक्के थे जो उस जमीन के अंदर मौजूद थे। शहजादा उन सिक्कों को देखकर बहुत खुश हुआ और घर आकर शहजादी को सारा वाकया सुनाया। उन्हें सोने के सिक्के बाजार में जाकर बेचने पड़े और उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचा। उन्होंने बादशाह के महल के करीब एक बहुत आलीशान महल तामीर करवाया। बादशाह यह सब कुछ देखता रहा और बड़ा खुश होता रहा। फिर उसने शहजादी और शहजादे को अपने पास बुलाया और कहा कि वो एक ऐसा शख्स चाहता था जो उसकी शहजादी को लालच नहीं बल्कि उसकी अकलमंदी और खूबसूरती की खातिर खुश रख सके। शहजादा चूंकि एक साल में इन तमाम शर्तों के ऊपर पूरा उतरा है, इसलिए बादशाह ने जानबूझकर वो जमीन का टुकड़ा आप लोगों को दिया जिसके अंदर सोने की अशरफियां उन्होंने खुद भर दी थी और ये उस मोहब्बत का इनाम था कि वो बादशाह की बेटी को खुश रख सकता है और यही वो रास्ता जो बादशाह ने बाकी शहजादियों से छुपाया था। और वो उस शहजादे को बताना चाहता था कि वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। इसके बाद बादशाह ने यह ऐलान किया कि उसके मरने के बाद तमाम की तमाम दौलत और उसकी तमाम सल्तनत ही बादशाह उस शहजादे और शहजादी के हवाले की जाए। चूंकि शहजादी उसकी इकलौती बेटी थी लिहाजा वो अपनी सल्तनत और बादशाह किसी बेवकूफ और लालची आदमी के हाथ में देना नहीं चाहता था।